So hey everybody, what is up? That's me over the Ultra Boy and welcome to the video friends. So आज की वीडियो में हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं. हम लोग एक सीक्रेट घर बनाने वाले हैं आज, जिसमें मैं सेफ रह सकूं. बिकॉज ये घर, माना कि ये घर सेफ है बट फिर भी यहाँ पे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, इसीलिए आज मैं एक सीक्रेट घर बनाऊंगा. इतना सीक्रेट कि मैं ही भूल जाऊं कि मैंने कहाँ घर बनाया हुआ है, और ज़ॉम्बीज, क्रीपर और स्केलेटनों का भी पता ही नहीं चलेगा कि मेरा घर कहाँ पर है. ये कहाँ घुस गया मैं. सो आज का सीक्रेट घर बनाने के लिए हमको एक मस्त जगह ढूंढने पड़ेगी यार. तो मैं अपना सीक्रेट घर कहाँ बनाऊं? अंडर वाटर. अभी मेरा दिमाग इतना ज़्यादा एडवांस्ड नहीं है कि अंडर वाटर घर बना दे. बट हम एक दिन बनाएंगे, मे भी आने वाले वीडियो में हम अंडर वाटर घर बनाएं. बट आज मैं एक ऐसा सीक्रेट घर बनाना चाहता हूँ जिसको मैं आसानी से ढूंढ सकूँ और आसानी से उसके अंदर जा सकूँ और किसी को पता ही न चले. तो आई थिंक मैं आज कुछ केव टाइप घर बनाऊँ. सबसे पहले तो रात हो रही है, मैं यहीं पर सोता हूँ. मैं बेड पर सो गया, बेड लेके. ओके, तो हमको उसके लिए एक माउंटेन ढूंढना पड़ेगा और मुझको ये समुद्र भी पार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास है कृष की पावर. मैं आसानी से कर सकता हूँ. देखा कैसे मैंने ये पार किया, एकदम कृष की स्टाइल में. तो हमको एक माउंटेन ढूंढना पड़ेगा. माउंटेन में थोड़ा ढंग का देखना पड़ेगा. क्या मैं डेजर्ट एरिया में घर बनाऊँ अपना? हाँ, देखो यार, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि ये मेरे वर्ल्ड में सब पागल ही क्यों पैदा होते हैं. भाई क्या परेशानी है तेरे को? अब हम अपना घर कहाँ बनाएं? 2000 years later. ओके, मैं डेजर्ट एरिया से तो बाहर आ गया बट मुझे कोई ढंग की जगह नहीं मिल रही है अभी भी. आई थिंक ये माउंटेन सही रहेगा. इसका पैटर्न देखो, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई पिरामिड बना रखा है. ओके, तो मैं यहाँ पे अपना घर बनाना स्टार्ट करता हूँ. ओके, 1 2 1 2 1 2. ओके, आई थिंक इतना बड़ा ठीक रहेगा. मैं एक एक ब्लॉक और हटा देता हूँ, अब ठीक है. यार ये फिर से रात हो गई और रात को काम करना मुझे बड़ा बेकार लगता है. बेड बनाओ, फिर से बेड उठाओ, लगाओ और सो जाओ. तो अब अपन को अपनी एंट्री बनानी है और वो भी बिल्कुल टॉप सीक्रेट. ये मेरी वीडियो में कहाँ से आया? हट, तेरा पिछवाड़ा तोड़ दूंगा. हट. ये तो मर ही नहीं रहा है. आई थिंक मेरे को आइंदा मेरी वीडियो में कोशिश भी मत करना. मेरे को 3 ब्लॉक करने पड़ेंगे ऐसे. फिर मेरे को चाहिए रेडस्टोन डस्ट, उसको कुछ ऐसे लगाओ. फिर यहाँ ज़ॉम्बीज़ की आवाज कहाँ आ रही है मेरे को? यहाँ से ऐसे, एंड देन रेडस्टोन टॉर्च. और रेडस्टोन टॉर्च को हम यहाँ पुट कर देंगे. बिल्कुल सेम ऐसे यहाँ पे भी करना है. ओके, अब ये जगह तोड़ने पड़ेगी. यहाँ पे 2 ब्लॉक लगाओ, स्टिकी पिस्टन लगाओ. इट्स वर्किंग. एक और ये काम क्यों नहीं कर रहा? आई थिंक यहाँ पे हाँ करने लगा काम. अब मैं जरा इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर कर दूँ. ऐसे मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ. ओके, ये भी काम करने लगा. ब्लॉक लगा देना है ऐसे और ऐसे. अरे हमारी प्रेशर प्लेट, ये वाला कलर ज़रा सूट करेगा. अब यहाँ पर 2 प्रेशर प्लेट लगाओ और यस, मैं अंदर भी जा सकता हूँ और बाहर भी आ सकता हूँ, है ना, एकदम बढ़िया. यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मुझे लगाने पड़ेंगे टॉर्चेस ताकि तुम लोग को वीडियो में क्लियरली दिख पाए कि मैं क्या करने वाला हूँ. ओके, तो हमारा अब अंडर माउंटेन सीक्रेट हाउस बन चुका है. बट थोड़ा सा अजीब लग रहा है. अब हमको इस घर को डेकोरेट करना पड़ेगा. तो इस घर के लिए मैं कौन सा कलर चूज करूं? आई थिंक ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन बढ़िया रहेगा. मैं लेता हूं ब्लैक कॉन्क्रीट, कुछ इस तरह. ये मैंने टॉर्चेस को ज्यादा ऊपर लगा दिए हैं.
मुझे ये रेडस्टोन टॉर्च है यार, मैं भी यहाँ पर लगाओ टॉर्चेस। आई नीड लाइट। इतनी सारे टॉर्चेस लगाऊंगा, फ्री का माल है ना इसलिए। अब हम लेते हैं ब्लू कॉन्क्रीट, इसको कुछ इस प्रकार पुट करो। अभी तो फिलहाल तो ठीक लग रहा है। ओके, ये तो हमारा ऊपर का पोर्शन तैयार हो गया है। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई चेस प्लेयर हूँ, चेस खेलूँगा यहाँ पर। ओके, अब हम कारपेट कौन सा बिछाएं? वाइट कारपेट ठीक रहेगा। ओके, तो हम नीचे वाइट कलर का कारपेट बिछा देते हैं। मैं नीचे भी ग्लो स्टोन लगाऊंगा ताकि ये जगह एकदम ब्राइट रहे। लग रही है ना अच्छी। अब बारी है हमारी वॉल की। वॉल पर कौन सा कलर अच्छा लगेगा? आई थिंक येल्लो। वॉल को मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊंगा, येल्लो के संग ब्लैक कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। ओके, हमारी वॉल तैयार है। मैं यहाँ पर भी ग्लो स्टोन लगा देता हूँ। ताकि थोड़ा सा अच्छा लुक मिल सके। कंप्लीट। सो ये है हमारे घर की डिजाइन। बाहर से भी किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर मेरा एक सीक्रेट हाउस है, और अंदर जाके कुछ ऐसा लुक मिलेगा। तो और अच्छा लुक देने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी लैंटर्न लगाना चाहता हूँ ताकि मामला ना थोड़ा ब्राइट रहे। ओके, कंप्लीट। तो ये है हमारा सीक्रेट हाउस। यहाँ पर एक बेड रख देता हूँ, पर्पल बेड सी रहेगा। ये हमारा बेड हो गया। अब बाहर का थोड़ा सा मामला सही कर दूं। ये प्रेशर प्लेट्स किसी को दिख सकती हैं, तो इनको अच्छी तरीके से छुपा दो। यस, अब किसी को पता नहीं चलेगा जब मुझे इस घर में आना होगा। ये मैं अंदर आ गया। जब मुझे जाना होगा, फिलहाल रात हो रही है और नींद भी आ रही है, सोने चलते हैं। सो ओके गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। ये मैं कौन सी केव में जाने लगा? गुड बाय। अंदर घुस गया।